श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिवाली गरिमा यूट्यूब चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए उपाय वीडियो में करके दिखाते हैं, ताकि वो उपाय आपको आसानी से समझ आ सकें। इस वीडियो में हम आपको सोमवार के किए जाने वाले 5 विशेष उपाय करके दिखाएंगे जो गुरुजी ने बताए हैं। सभी उपाय उपयोगी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला उपाय है सोमवार का मनोकामना पूर्ति उपाय। दूसरा उपाय है सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और व्यवसाय वृद्धि वाला उपाय। तीसरा उपाय है सोमवार का धन प्राप्ति उपाय। और चौथा उपाय है ग्रह क्लेश दूर करने वाला सोमवार का उपाय। और पांचवा उपाय है पति पत्नी के झगड़े होने पर तुमरू का जी वाला उपाय। सभी उपाय सरल और आसानी से समझ आ जाएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा। और आपको जो ठीक लगे, मतलब कोई भी एक या एक से अधिक उपाय भी आप कर सकते हैं। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस उपाय को आप 3 से 4 सोमवार करके देखिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपको बस इतना करना है, आपको एक काली मिर्च, 7 लौंग और थोड़ी सी काली तिल लेकर शिव मंदिर जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सभी चीजें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आप भोलेनाथ के सामने बैठकर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कीजिए और मनोकामना बोलने के बाद एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। दूसरा उपाय, अगर आपकी सरकारी या प्राइवेट कोई भी नौकरी नहीं लग रही है या फिर आपके व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही है, तो इस उपाय को प्रत्येक सोमवार को करें। आपको एक धतूरा और एक वेल पत्र को लेकर शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर पर पहले एक वेल पत्र अर्पित करना है, इसके बाद एक धतूरा अर्पित कर देना है, इसके बाद एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। सिर्फ इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। आपको प्रत्येक सोमवार को धन प्राप्ति, लक्ष्मी वृद्धि के लिए सुबह के समय वेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक कलश जल अर्पित करना है। और आपको जल एक विशेष तरीके से अर्पित करना है, जैसे आप दो हाथ से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, आपको जल भी वैसे ही अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय विल्वेश्वर महादेव का स्मरण करना है या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की भी जाप कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, परिवार के सदस्यों की आपस में जमती नहीं है, सास बहू में, पति पत्नी में, माँ बेटे में किसी न किसी के बीच में लड़ाई बनी ही रहती है, तो कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। आपको एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगा देना है और इस बेलपत्र को बेलपत्र के पेड़ के नीचे जड़ के पास चिपका देना है। चिपकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती नीचे की ओर हो। बेलपत्र चिपकाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप भोलेनाथ से अपना नाम और गोत्र का नाम जरूर बोलें और मेरे घर में कृपा करें, ऐसी विनती करें। पति पत्नी में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, बात तलाक तक पहुंच गई हो, तो पति पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको एक नारियल को अपने घर में चारों ओर घुमाकर इसके बाद उस नारियल में आपको एक मूली लपेट लेना है। इसके बाद उस नारियल को शिव मंदिर लेकर जाइए, शिवलिंग के पास अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको तुमरुका जी का नाम लेना है और भोलेनाथ से निवेदन करना है, वैवाहिक जीवन में आ रही अस्थिरता को दूर करें, हम पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़े, ऐसी कृपा कीजिए। अगर आपको इन 5 उपायों में से कोई भी उपाय उपयोगी लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।